स्वयं को गढ़ने का काम किया देश के अन्य राज्यों में, और बिहार के विकास को चौगुना रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। नीतीश जी के भी राम है, हमारे भी राम है, भाजपा के भी राम है। मैंने हमेशा कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, और राज्य में एक जैसी सरकार हो। इस सरकार का आज गठन होने जा रहा है, भूमाफिया कुछ भ्रष्टाचारियों का जो ये बेमेल गठबंधन चल रहा था उस पर लगाम आज 5 बजे के बाद लग गया। बिहार का विकास है और बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी भी तत्पर है। मवाली आतंकवादी जितना है उसका या तो गया में पिंडदान होगा, नहीं तो काठमांडू में हो जाए, नहीं तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा और वो जेल में जाएगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं 24 राजभवन के पास। यहाँ पर भाजपा समर्थकों की तरफ से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, विजुअल में आपको हम दिखा देंगे। पहले बताइए खुशी किस बात की, सबसे पहले बताइए सम्राट चौधरी की है कि हमारे सम्राट जी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे, डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे कुछ ही देर बाद, और विकास का जो रफ्तार है वो दुगुना नहीं चौगुना रफ्तार होगा। बोलेगा दो दो डिप्टी सीएम देकर विपक्ष के, हमने विकास के आयाम को गढ़ने का काम किया देश के अन्य राज्यों में, और बिहार के विकास को चौगुना रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ हम लोग का काफी खुशी है, काफी बिहार में भी राम राज की जो बात हो रही थी आज राम राज आ गए। इस पे क्या कहिएगा, पहले तो इस पे सारे लोग खुश है। नीतीश जी के भी राम है, हमारे भी राम है, भाजपा के भी राम है, पहले देश के जनता के। पहले तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसकी खुशी मनाई गई, उसके बाद जिस तरीके से सम्राट चौधरी और उनके बाद विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बने, कितनी खुशियां हैं आपके अंदर? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता की पार्टी सब दिन से रही है, भाजपा ने हमेशा कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, हमेशा कार्यकर्ताओं की को तरजीह दिया गया है। और बिहार में डबल इंजन की जो सरकार आज बनने जा रही, जो गठन होने जा रहा है, इससे जो बिहार वासियों का उत्साह चरम पे है, खुशियों की बात है। बिहार का जो रफ्तार वो आगे बढ़ेगा, बिहार का जो रफ्तार का जो स्पीड होगा वो चौगुना होगा। बिहार में जो आयाम गढ़ा गया था, कल कारखाना हो, केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार हो, इस सरकार का आज गठन होने जा रहा है कुछ ही क्षणों में, आप लोग देखिएगा राजभवन में। और डबल इंजन देने का, डबल डिप्टी सीएम देने का है कि विकास की जो रफ्तार है वो चौगुना हो। डबल इंजन का सरकार है तो किस तरह यूपी चमक रहा है, उसी तरह आप सम्राट चौधरी बोले हैं कि हम बिहार को भी यूपी जैसा होगा। भूमाफिया या तो बिहार छोड़ देंगे या गया में पिंडदान हो जाएगा, ये हमारे अध्यक्ष जी का कहना था, और इसी पर, इसी टाइम लाइन पे हम लोग काम करेंगे। जितने भी कुछ समय से प्रशासन असहज महसूस कर रहे थे, कुछ भूमाफिया कुछ भ्रष्टाचारियों का जो ये बेमेल गठबंधन चल रहा था उस पर लगाम आज 5 बजे के बाद लग जाएगा। लग गया 5 बजे के बाद लग जाएगा। जैसे कि साफ तौर पर क्या कहेंगे, पहले तो प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां हुई आपके अंदर, उसके बाद दो दो डिप्टी सीएम भाजपा से, तो दोनों कर्मठ हैं भाजपा के, विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी, दोनों कर्मठ। नीतीश कुमार को लेकर ये बातें आ रही है, नीतीश कुमार ठीक है, आदमी खराब नहीं है। विपक्ष कहती है कि पहले अमित शाह बोले, फिर सम्राट चौधरी भी बोले कि गद्दी पर नहीं बैठे, तो पार्टी बोलबे कर रही है, जहाँ भागिएगा वो भागेगा तो बोलबे करता है, लेकिन यादव के लिए बुरा लग रहा है, नीतीश कुमार का छवि खराब नहीं, यादव के लिए बुरा लग रहा है, बुरा कहला लगेगा हमको किसी के लिए, क्या कहिएगा। देखिए, त्वरित समय के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विचार बदल गई थी, लेकिन विचारधारा नहीं बदला था, सबसे बड़ा बात है। और विचारधारा बीजेपी का भी वही है जो नीतीश कुमार जी का है, बिहार का विकास, गुंडा राज से मुक्त, बालू माफिया का अंत, ये सब है बिहार, मतलब पूरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बिहार का विकास, ठीक है, बिहार का विकास है, और बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी भी तत्पर है, और ये बीजेपी भी तत्पर है। आपको बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी जी हमेशा कहते आए हुए, या तक गया के पिंडदान में होगा, नहीं तो नेपाल में जाएगा गुंडा मवाली सब, समझ रहे हैं, या तो गया के पिंडदान नहीं तो नेपाल। तो अब सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो इतना विश्वास रखिए कि अब गुंडा मवाली आतंकवादी जितना है उसका या तो गया में पिंडदान होगा, नहीं तो काठमांडू में हो जाएगा, नहीं तो उस पर घर पे बुलडोजर चलेगा और वो जेल में जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आपको एक बार भीड़ दिखा देते हैं, जो भी सीएम आवास के पास आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर भीड़ जो है, मीडिया कर्मी और साथ में कुछ जनता भी हैं जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर भीड़ बता देते हैं।
भीड़ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, और जो भी भाजपा समर्थकों की तरफ से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी का स्वागत करने के लिए, नीतीश कुमार जी का भी स्वागत करने के लिए जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, वो भी साफ तौर पर आप विजुअल में देख सकते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद राजभवन के पास, और ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस वक्त तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते रहे 24। मैं नंदन के साथ, धन्यवाद।